भारत माता का उद्घोष हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आज सभी लोग धर्म तंत्र में अपने संप्रदाय के विस्तार में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा क्या मोटो है? हमारा मोटो है यह भारत जो हमारा देश है, जो अपना वतन है, इसको मजबूत बनाना और राष्ट्र को मजबूत बनाना, वतन को मजबूत बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। जो लक्ष्य क्या था? जो धर्म तंत्र स्वामी विवेकानंद का था, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना। जो अध्यात्म डॉक्टर कलाम साहब का था, नेशन फर्स्ट 2020 का उन्हें विजन दिया कि हर तरह से हम शक्तिशाली बने, तो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र में हम भी अपने आत्मबल को मजबूत बनाएं, अपने मनोबल को हम मजबूत बनाएं। राष्ट्र की जो मजबूत इकाई है उसी का नाम है युवा, और जिस देश का जवानी सो जाता है वो देश को पतन से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उस देश की यदि जवानी सही दिशा में चल पड़ती है, जवानी को जब सही पंख लग जाता है श्रद्धा और विवेक का, जवानी को जब सही पंख लग जाता है जोश और होश का, जवानी को जब सही पंख लग जाता है श्रद्धा और विश्वास का, श्रद्धा और समर्पण का, तब हमारी जवानी एक सही दिशा में जाकर सफल हो पाता है और तब हमारा राष्ट्र गौरव कर सकता है। कहने को तो हम लोग 65% युवा हैं इस देश में, लेकिन जो युवा के हाथ में बीड़ी हो, जिस युवा के हाथ में सिगरेट हो, जिस युवा के हाथ में शराब की बोतल हो, जिस युवा के हाथ में पोर्न वीडियो का पूरा सरंजाम हो, जिस युवा के हाथ में कहिए कि राष्ट्र की प्रगति के लिए, जीवन के उत्थान के लिए, अपने जीवन को सही मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो युवा लक्ष्यहीन हो, वो राष्ट्रीय प्रगति में कोई योगदान नहीं दे सकता है। राष्ट्र की प्रगति का जो आधार स्तंभ है वह जीवंत तो जागृत युवा है, और जब जब जवानी जागी है तब तब जमाना जागा है। जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। आज की जवानी किधर जा रही है? आज की जवानी बॉलीवुड की ओर जा रही है। आज की जवानी किधर जा रही है? व्यसन की ओर जा रही है। आज की जवानी किधर जा रही है? फैशन की ओर जा रही है। आज की जवानी किधर जा रही है? पतन के गर्त की ओर जा रही है। आज की जवानी किधर जा रही है? जिस ओर हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं पूरा होने वाला है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे खाक जिया करते हैं। उस जवानी की जिंदा दिली को यदि अपने जीवन में जागृत करना चाहते हैं तो हम सभी लोगों को अध्यात्म का अवलंबन लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि एटम बम हमारे देश के पास है, हमारा देश भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, लेकिन उससे भी बड़ी जो शक्ति इस राष्ट्र का है परमाणु से बढ़कर, एटम तो कहते हैं बाद में बनता है, पहले एटम का विचार कहाँ आता है? मस्तिष्क में। इसको बनाना है, बनाने का जो विचार है वो मस्तिष्क में पहले आया, बम बाद में बना। तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि एटम बम वाला नहीं बल्कि साउंड बम वाला देश है। जो परमाणु से शक्ति संपन्न राष्ट्र है वो साउंड बम क्या है? गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र जिसका एक ही स्वर में उच्चारण किया जा सकता है, और ऐसा ये शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है जिसका अवलंबन लेकर हम अपने विद्यार्थी जीवन को, पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये 25 वर्ष के प्रयोग के अनुभव के आधार पर आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं, कोई दकिया सुनी की बातें नहीं। मंत्र विज्ञान पर आज रिसर्च चल रहा है, मेडिटेशन पर आज शोध चल रहा है। आप गूगल में जाएं, यूट्यूब में जाएं और देख लें मेडिटेशन क्या क्या चमत्कार होता है, मेडिटेशन के क्या फ़ायदे होते हैं। जब कहते हैं COVID-19 का जब दौर आया तो हमारे पास पहले से बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध थी, खांसी का, बुखार का, वायरल फीवर का, हड्डी के जोड़ों का और तमाम छोटे बड़े व्याधि का, लेकिन COVID-19 कोई रोग नहीं था बल्कि महामारी थी, एक वायरस था, एक संक्रमण था, और इस संक्रमण का कोई भी हमारे पास वैक्सीन पहले से उपलब्ध नहीं थी, और इसके कारण पहला जो पीक आया उसमें लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, जिनके पास चाक चौबंद नवग्रह के एक मुफ्त व्यवस्था थी निवारण हेतु, जिनके पास एसी कार, एसी बंगला, घर, कार्यालय, कार, बसों, ट्रेनों में एसी, लेकिन उनको भी प्रकृति बोला यदि प्रकृति से आप कटते हो, अध्यात्म से यदि कटकर जीवन जीते हो तो आपको बेसी दिन बचने का जरूरत यहाँ नहीं है। प्रकृति ये संदेश दिया, या COVID-19 प्रकृति इंसान को कुछ सिखाया कि भाई कुछ आप अपने जीवन में कुछ संयम बरतें। कोरोना के काल में अभी बताया गया कि वो जोड़ा बहुत भाग्यशाली जिनका कोविड काल में विवाह शादी हुई,
क्यों? क्योंकि विवाह शादी जो कोविड काल में जिनका हुआ उसमें क्या हुआ, बहुत कम लोग अपीयर हो सका, 30-40 लोगों की अनुमति थी, अधिकतम होटलों में 50 से ज़्यादा लोग अपीयर नहीं कर सकते हैं, वो शादियाँ रात में नहीं कर सकते हैं, पटाखा नहीं छोड़ सकते हैं। सादा समारोह में आप करें, 50 लोग आपका हो, बहुत मित्र दोस्त रिश्तेदार नज़दीकी लोग हों। आज क्या हो गया इस देश के यौवन को कि भाई हमारे बगल वाले 10 लाख रुपया खर्च किए हैं तो हमारा उससे भी बड़ा टेंट होना चाहिए, हम 15 लाख रुपया खर्च करेंगे। हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, अगर रोकनी है बर्बादी बंद करो खर्चीली शादी। आज से 40 वर्ष पहले कितना मेहनत से हम धन जोड़ते हैं, लेकिन एक दिन के शादी में हम लोग क्या बन जाते हैं, हेमंत सोरेन को भी फेल कर देते हैं। वो तो बेचारे CM होकर के भी रौब बनाए तो जा, लेकिन हम लोग एक दिन के एक घंटे दो रात भर के लिए हम लोग इतना बड़ा दूल्हा राजा बन जाते हैं, अपने औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं, पानी की तरह पैसे को बहाते हैं, लेकिन उसके तत्व दर्शन को समझ नहीं पाते हैं कि विवाह दो परिवार का एक ऐसा आत्मिक संबंध था, दो शरीर किंतु एक आत्मा का एक ऐसा मिलन बिंदु था जो सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाता है। विवाह एक पवित्र उद्देश्य के लिए था, विवाह इस देश का एक ऐसा महाविज्ञान था जिस महाविज्ञान की जानकारी जब पति पत्नी को होता था, जीवन साथी को, और उस विज्ञान को फॉलो करता था तो हमारे देश में भगत सिंह जैसा संतान पैदा होता था, हमारे देश में नरेंद्र जैसा बालक पैदा होता था, सुभद्रा कुमारी चौहान खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, कविता लिखने वाली बेटी यहाँ पैदा होती थी, वीरांगनाएँ पैदा होती थी। लेकिन आज विवाह का विज्ञान हमारे पास से ख़त्म हो गया, केवल बस वही रह गया, आज मेरे यार की शादी है, दिलदार की शादी है, मेरे पूरे संसार की शादी है। लेकिन मित्रों, विवाह शादियाँ का एक उद्देश्य था कि यह सृष्टि का कर्म को आगे बढ़ाने के लिए जैसे दो जोड़ों की आवश्यकता है, जैसे दो धाराएं जुड़ती हैं आपस में, तार के दो, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, विद्या ऋणात्मक और धनात्मक, ये दोनों तार का जब कनेक्शन होता है तो बल्ब जलता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने माता पिता का संयोग बनाया, अगर माता पिता हमारे जीवन में नहीं होते तो हमारा आपका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन एक पवित्र उद्देश्य वाला संस्कार को लोग इतना भारी भरकम खर्चीला महंगा पटाखा छोड़ने वाला 56 प्रकार का भोग बनाइए रात के 2 बजे, हमारे देश में प्रकृति ये संदेश देती है कि हमारे कोई भी जानवर को आप ले लीजिए, एक जानवर को